दोस्तों, बेस्ट सेंटेड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कैसे करें। दोस्तों, जो किसान पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, वे जरबेरा की खेती करने का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर अपने देश में लघु एवं सीमांत किसान सालों से परंपरागत खेती पर निर्भर है, जिसमें वे धान, गेहूं तथा मकई की खेती करते हैं। इसमें काफ़ी कम आमदनी होती है, और हाँ, यदि आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो जरबेरा की खेती आपके लिए ही है। पॉली हाउस में विदेशी फूलों की संरक्षित खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इन फूलों की बाज़ार में हमेशा मांग बनी रहती है। पॉली हाउस में खेती करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ बेमौसम भी फूलों को उगाया जा सकता है, लेकिन यदि पॉली हाउस नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं है। जरबेरा आकर्षक रंगों का होने के कारण साज सज्जा में काफ़ी उपयोगी होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका का फूल है, जिसकी खेती सालों भर किया जा सकता है। जरबेरा लंबे डंठल की पंखुड़ी वाला एक मनमोहक फूल है, जो लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, नारंगी आदि रंगों में पाया जाता है। इसका फूल कई दिनों तक तरोताज़ा रहता है, इसलिए गुलदस्ते तथा स्टेज की सजावट में इसकी बड़ी मांग है। जरबेरा की उन्नत किस्में हैं लारा, डेल्फिन, संटल, ओलंपिया, नवाडा तथा कॉर्मारॉन। जलवायु एवं मिट्टी। जरबेरा की फूल को पॉली हाउस में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके लिए दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो बिहार में 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में रहता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की क्षारीय और उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी की तैयारी। पॉली हाउस में मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लें तथा 1 मीटर चौड़ी तथा 1 फीट ऊंची बेड तैयार कर लें। इसके बाद 2 भाग रेत, 1 भाग कोकोपीट तथा 1 भाग वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बेड पर डालें। सिंचाई। जरबेरा पर रोज सिंचाई करें। पौधे को लगाने की विधि। तैयार की गई बेड पर पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच रखकर रोपें। खाद एवं उर्वरक। अधिक पैदावार के लिए पहले 3 महीने पौधे पर 1 दिन बीज करके एनपीके का स्प्रे करें। पौधा रोपते समय प्रति वर्ग मीटर 10 किलो वर्मी कंपोस्ट तथा 1 किलो सरसों की खली दें। इन बातों पर भी ध्यान दें। पुरानी पत्तियों को छांटते रहें। रोपण के 2 माह तक कलियों को तोड़ते रहें। खरपतवार हटवाते रहें तथा बेड की नियमित गुड़ाई करते रहें। फूलों की तुराई। पौधा रोपण के 3 महीने बाद जरबेरा में फूल आने लगता है। हर वर्ग मीटर में प्रतिवर्ष 200 से 250 फूल आता है। एक बार रोपाई के बाद 24 से 30 महीने तक फूल आता रहता है। यदि आप 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में खेती करते हैं तो हर वर्ष आपकी आमदनी 10 लाख रुपए तक होती है। यदि आप बिहार के वासी हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वैशाली में 1 कट्ठा ज़मीन में 170 वर्ग मीटर की भूमि आती है, अर्थात 1000 वर्ग मीटर में लगभग 6 कट्ठा खेत आता है। इससे आप 3 वर्ष में 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 1 वर्ग मीटर में औसतन 10 पौधा लगता है, अर्थात 1000 वर्ग मीटर में 10000 पौधा लगता है। यदि आप F1 हाइब्रिड पौधा लगाते हैं तो आप उसके बीच में भी पौधा बेच सकते हैं। इन पौधों से भी नया पौधा तैयार कर सकते हैं तथा उसे नर्सरी वालों से बेचा जा सकता है। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो गजेनिया की व्यावसायिक खेती पर। यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।